वेलकम बैक राजनीति में टेलीलाइन से ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेट रही चुका मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूसा टेलीलाइन ते डॉक्टर साहब तक वेलकम चौदा प्रोग्राम में मेहरबानी दादा थैंक यू डॉक्टर साहब एक वही कश्मकश जोड़ तोड़ है आसिफ अली जरदारी साहब चो तो जी त खबर नी पे थो तय थो सब चौधरी परवेज इलाही असाने अचे पो चौधरी परवेज इलाही वही पीटीआई से मिलो यो भी आसिफ अली जरदारी तो ये आसान ना है तो वो वजीर आला थे वजीर आला बना अपोजिशन जो कम आ पंजाब में उन्हें वट नंबर्स इन चौदह आसिफ साहब वेठा इस्लामाबाद में वेल इंफॉर्म्ड सियासतदान भी तमाम एक्सलेंट किस्म जहाँ जो इंफॉर्मेशन उनके जी वो गल पो तसा शेजे का दिसन पाया पर तमाम नंढो मानू आया पॉलिटिकल वर्कर समझा तो पंजाब की वजारत हालांकि अना समझो 15 दी पे सही फिलहाल तो जो सो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तो थे 3 तारीख या 4 तारीख या 2 तारीख से उन्हीं का चीजू अना डेवलप इतने भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी जोड़ तोड़ या जो है सो मुख्तलिफ पार्टीज आज जी हाँ एमकेएम है उनको अना डिस्कशन को आया उम्मीद है तो अची वो असि फेवर में जो बिलावल साहब फरमाया है मुझी जाती राय है तो यो अना जोड़ तोड़ हलंदी शिथे वही बीहद वो आखिरी वक्त में आखिरी लम्हन में आखिरी कलाक में या आखिरी कलाक में वही चीज नजर ईदी सही डॉक्टर साहब खत जो जिक्र थो अज खत जो वरी कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी इमरान खान तक पान खबर आ जलसे में परेड ग्राउंड के अंदर चो तो अड़ी साजिश थे थी जो भुट्टे साहब के खिलाफ साजिश थी बाहर जो कुवतू आन और हितों जहाँ मिली करे कुछ उ मिली कर गवर्नमेंट के घर मोकल चाहन था अज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यो भी चाहिए तो असा खत जो देखा भी है और वो खत एक वो खतरनाक है या इमरान खान की जान के भी खतरो चौद इंडिया जो सॉन्ग है ना खत आए चिट्ठी आई थी मशहूर गानो है हाँ नहीं चिट्ठी आएगी वो चिट्ठी जो वही चिट्ठी है या बुधो गल के हाँ। बाकी हाँ ये इनकलाबी इनकलाबी को बुधो ये बदकिस्मती है जो एक तमाम वो जो राइटर हो ग्रामची एंथोनियो ग्रामची सही जै सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इटली में मसूलनी उनके तमाम कैदो बंद रखो 42 या 47 की एज में इंतकाल करे उनकी राइटिंग्स तमाम लाजवाब है उन टर्म जनी वो अगत इस्तेमाल भी थी है मगरब में अमेरिका में वो चुनाव तो बबा कल्चरली जो है सो पी राइटिंग के जरिए जो है सो पाँ स्कूल ऑफ थॉट मड़ो वे जी उन दौर के हिसाब से लिखो तो कैपिटलिस्ट जे स्कूल ऑफ थॉट वो जो है सो थ्रू थिएटर थ्रू फिल्म थ्रू गुफ्तगु थ्रू राइटिंग्स पी चीजू मड़ी वजन थी हाँ हि जी पार्टी है जैसे पा पीटीआई चौं या न्यू फासिस्ट पार्टी है उन सो एक बयानिया ठाने की कोशिश कई है तो वो इनकलाबी इनकलाबी को ये बयानू मसोलिनी हिटलर भी ठा नेशनल सोशलिज्म चवंदा हुआ माना मजहब की भी गाल कंदा हुआ बे पास सोशलिज्म की गाल भी कंदा हुआ नेशनलिज्म की भी गाल कंदा हुआ बुनियादी तौर से फासिस्ट हुआ उन्हें जो है सो इंसानियत के जो नुकसान पहुंचाया वो तो तुम पढ़ो हों बुधो हों नमूने उन पान के मार्शल रेस चई कर यहूदियन के या जो बी जी कारे रंग जहाँ जो इंसान हुआ उनके उन या जो जिप्सीज हुआ उनके उन्हें हेठ मथे कर हाँ हि जो न्यू फासिस्ट पार्टी है इनके पोया जे मू वो वक्त पे डिस्क्लोज भी कस हिंस फिलहाल मुनासिब को पर ये पाकिस्तान में ये नैरेटिव इन कर वे तो जे हैव्स जे 72 साल का वेठा एक सूबे का ताल्लुक है उन सूबे की एक बी जो एथनिक ग्रुप है
उनजो जिक्र हाँ फिलहाल कर सूट नो करें वक्त उसे बहत्तर साल का असारन असानी ब्यूरोक्रेसी से कब्जो कर जैसे कर बंगाल भी नाराज थी जैसे कर नंढा सूबा सदा ही नाराज रहा है। तो हाँ यो जो एक आइडियोलॉजी ठाराई वही है यो जो बयान ठाया वो है यो बयान जो खैर है 1980 का जिया के दौर का वी कर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पाबंदी है स्टूडेंट्स के खबर कान् पॉलिटिक्स नौजवान जो निकरे पो चे तो यार वाह जो बयान है पर यो फासिज्म जो बयान है जो जो इटली के भी तबाह कर मसोलिनी की क्यादत में जै हिटलर भी तबाह कर जर्मनी के तोजो जो जापान में तबाह कर यो सेम बयान डॉक्टर साहब एक मिनट आखिरी गाल मानों के खबर पे ना अस बक बक क्यों था तो मानों के खबर पे ना तारीख यो बयान न रुको इतने है यो बयान तवे हिंदुस्तान में बीजेपी या आरएसएस भी करे पी यो बयान जो है सो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम कंट्रीज में भी बे नमूने ठाए पे वे जैसा बेसिस को हाँ यो नौजवान के असान कम है बुधाने तो बाबा इन होशियारी वन यो बयान तबाही पास वी पाकिस्तान के सही डॉक्टर साहब तुम तारीख जहाँ एक अदनान शागिर्द आ स्टूडेंट आयो तारीख जहाँ हवाला दींदा हमेशा शोज में डॉक्टर साहब यहाँ भी हकीकत है बैरूनी ताकतों के जरिए इतने हुकूमतू कहरायू भी व्यून इल्जाम भी ये आन तान इन तारीख का इन शा इनकार कर सको ना ऐसो असा जो तारीख पढ़ी है जो मौजूदा मॉडर्न तारीख है पाकिस्तान में उन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हटाया वो सही या हुसैन शहीद सोरवदी के हटाया वो बैरूत में उनके माराया वो अयूब खान कत्ल कराया हो या जो फातिमा जिन्ना के मऊटा पैलेस में माराया वो अयूब खान माराया या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के माराया वो शहीद कराया वो या बेनजीर से अवैध शहीद कराया वो बो तो मुझे ख्याल से मुजीबुर रहमान को अलग थी वो बो कड़ो इतने इनकलाबी लीडर है जना साहब नो डाउट अल वो लीडर हो सभी का परे सगी जो लीडर हो उनके कड़े नमूने उनकी मौत थी वो सभी के खबर है बैन अवी साजिश है सो हाँ इन मानू के लिए थी हि मू जो है सो कें भी हिसाब से न इनकलाबी है न इनो नजरियो है न ही जो है सो सोच रखे तो न ही जो है सो अमल इनो है को न ही आवाम सा ये एक न्यू फासिस्ट आइडियोलॉजी है जो एक्स सर्विसमैन मिली करे इतने न्यू फासिज्म आइडियोलॉजी इन करे पा कन तो वो बहत्तर साल का उनको सो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इनो जो टारगेट यो है तो कें सूरत में हम इलेक्शन विन क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम आणियाँ 18 अमेंडमेंट खत्म क्या वो उनमें इन बयान में कंखे फायद जो जिक्र वही कुत फायद जो यो आलाकार है डॉक्टर साहब एक बीबी साहब की गवर्नमेंट हो या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो 58-2 तक पान खबर आ कड़ी मल भी हुकूमत के प्रेसिडेंट घर मोकले छी तक पान खबर इन के रोकण के लिए 18th अमेंडमेंट बी शूं एक आयु एक चार्टर भी थो 2006 में COD जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थो सही इन गाल मुतफिक आ इन जर्नल में तक पुछा तो इन जर्नल में तक स्पेसिफिक पीपल्स पार्टी के हवाले से ना नून लीग के हवाले से ना इन जर्नल असानी पॉलिटिक्स में यो चे तो हाँ जी हुकूमतू या वजीर आजम कंखे काे मोकलो वो कढ़ो वो वो हाँ सब का वे में वो हथियार इो है मानुन जा जमीर खरीद क्या वा लोटा ठाया वा इन तरीके हाँ थो इो तो पार्लियामेंट के लिए जमहूरियत के लिए तमाम घड़ो नुकसानदेह ना डॉक्टर साहब बिल्कुल उनको हल यो है तो पॉलिटिकल पार्टीज अलिफ का वी जेड तई वो जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल पार्टीज आन उन हिसाब से इंस्टिट्यूशनलाइज थीन पां वर्कर्स के पांजन वोटर्स के पांजन आवाम की जो है सो तरबियत भी कन उनके वजन भी दीन ये जो असटे जो सिस्टम पे हलन कि हाँ कांग्रेस सुकड़ी वही है उसे हिंदुस्तान में ए मजबूरन या न्यू फासिस्ट आइडियोलॉजी बीजेपी या आरएस अची वही है इतने भी ये थी जैसे तटे इंस्टिट्यूशनलाइज डायनेस्टीज ये सब चीजों हलंद सभी पॉलिटिकल पार्टीज में तो अल्टिमेटली अल्टिमेटली यो ही जो थे पो उते स्पेन में फ्रांको अची वो 30 साल 35 साल 40 साल डिक्टेटर थी वही रो यो ही जिते जिते तक है सो
स्पेस कोन ॾींदा नौजवाननि खे, जिते उहे ई जेके सो 17-18-19 सदी जूं तकिया न्यूसूं, जेके ख़ानदान ऐं तकिया न्यूसूं इंस्टीट्यूशनलाइज़ बग़ैर शयूं हलंदियूं, त पोइ ईअं थींदो। तारीख़ क्या थी ॿुधाए। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहिब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रही चुका आहिनि, जो तव्हां तजियो ॿुधो, तारीख़ी हवाला ॿुधा। हुन ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां ॿुधो।